कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम ने महानगर में लगातार सैनिटाइजेशन का अभियान चला रखा है। महानगर के 70 वार्डों सहित सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नगर निगम द्वारा 54 गाड़ियों के माध्यम से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके तहत तो बुधवार को अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा के देखरेख में ईद के पर्व को देखते हुए मस्जिदों नमाज स्थलों का सैनिटाइजेशन किया गया, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने बताया कि ईद के त्यौहार को देखते हुए मुबारक खान शहीद के मजार, बेनीगंज, बहरामपुर सहित अन्य ईदगाहों एवं जमा मस्जिद सहित महानगर की अन्य मस्जिदों की विशेष सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने बताया। ऐसा जैसे आप जान रहे हैं कि हमारी 54 गाड़ियां नगर निगम की विभिन्न मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं, लेकिन आज जो हम लोग का जो मेन एम्फेसिस था वो ईदगाह है, और ये क्योंकि ईद आ रही है और ये मुबारक शाह पे अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप तो जितने भी ईदगाह स्थल हैं उनके आने जाने वाले रास्ते, उनके मोहल्ले, जैसे बेनीगंज में हम लोगों ने कराया, यहाँ पर आपके सामने कराया गया, इसी तरह पूरा जहाँ जहाँ ईद होगी वो सारे इलाकों में सफाई व्यवस्था और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।